ये हर आदमी हाथ जोड़ता है कि कोई हाथ से अगर थप्पड़े चलाना चाहते हैं तो वो चला दे, हमें कहां इतराज है। मुख्यमंत्री तो जनता के प्रतिनिधि हैं, लाखों मतदाताओं और जनता का विश्वास उनके साथ है। अगर वो किसी के सामने जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ना तो विनम्र राजनीति की और नेता की पहचान है। कोई अपने हाथ का इस्तेमाल किसी को थप्पड़ मारने में करना चाहते हैं तो करें, हम लोग किसी को रोकने को नहीं गए। मुख्यमंत्री अधिकारी क्या वजह है जो एनडीए की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ दो ही सीट मिली? सिर्फ क्यों लगाते हैं, दो सीट मिली और हम लोग इससे कोई एतराज नहीं किया है। और हम ये स्वाभाविक बात, जब आपस में तालमेल की बात चल रही थी, सीटों के बंटवारे पर बात चल रही थी, तो हम लोगों की तरफ से हम लोग पांच सीट पर लड़ने की इच्छा हम लोगों ने व्यक्त की थी। और वहां के स्थिति के हिसाब से फिर जो भाजपा या अन्य दलों के साथ जो सहमति बनी, तो दूसरे दलों को भी उसमें सामंजित करना था, इसलिए अंत में हम लोगों को दो सीट पर राजी होना पड़ा। लेकिन अब जब एक बार हम लोग राजी हो गए तो अब तो गठबंधन में पूरी तरीके से मजबूती से हम लोग काम करेंगे। इच्छा तो जरूर थी ज्यादा सीट लड़ने की और हम लोगों ने मांग भी की थी। हम चाहते थे कि हमारे दल के कई साथी कई विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी और वो मजबूती से चुनाव भी लड़े। लेकिन जहाँ इस प्रकार का गठबंधन होता है वहाँ कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। वो मतलब बृहद राजनीति के परिपेक्ष में समझौता करना पड़ता है। ये तो अब उन लोगों के आपस की बात है, अब वो लोग उसको संरचने की व्यवस्था करेंगे या जो उचित समझेंगे। हर दल स्वतंत्र होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपनी समझदारी से काम करने के लिए। हालांकि हम लोग की जो सोच है उस हिसाब से जब सिद्धांतों में एकता नहीं होती है या आपस में समझदारी का अभाव होता है तभी ऐसी स्थिति आती है। और अगर ऐसी स्थिति बिल्कुल सतह पर यानी सार्वजनिक, तो वो गठबंधन सही मायने में बिल्कुल कमजोर और बिना किसी काम के होता है। और जब उन लोगों ने स्वयं अपने निर्णयों से या अपने आचरण से बता दिया है कि हम लोग की समझदारी आपस में बराबर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जब जो दूसरे महागठबंधन या जो भी उनका नाम है, जब दलों के बीच आपसी समझदारी ही नहीं है, आपस में ही बिखराव है, अभी से टूट के लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे गठबंधन पर झारखंड की जनता कैसे भरोसा करे? ये तो किसी के समझने की बात है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां पर हम लोगों का मतलब एनडीए का बीजेपी के नेतृत्व में जीत अभी से ही सुनिश्चित लोकसभा चुनाव में तो हम लोगों की घोषित रणनीति है और नीति दोनों चीज स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए के अभिन्न हिस्सा है और वहाँ भी हम लोगों का समझौता बिल्कुल एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके साथ है और वहाँ पर सीटों का बंटवारा भी हो गया है, जो कौन सी पार्टी कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों के
हिस्से में दो सीटें आई हैं और दोनों सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय ही हैं। जो पार्टी के जो अधिकृत पदाधिकारी होंगे वो आपको सूचना दे देंगे। इसलिए झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जैसा कि हमने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में पूर्ण समझदारी के साथ एकजुट हैं और साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब एनडीए के सारे घटक दल साथ समझदारी के साथ लड़ते हैं तो इसके मुकाबले कहीं भी कोई दूसरा दल टिक नहीं पाता है और यही स्थिति झारखंड में होने जा रही है। जो हमारे जनता दल यू के दो उम्मीदवार होंगे, जो जमशेदपुर पश्चिमी और धार विधानसभा क्षेत्र से, वो दोनों तो निश्चित जीतेंगे और उनके साथ ही अधिकांश एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे और स्वाभाविक रूप से वहाँ भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हम समझते हैं कि अब तो कम ही दिन बच गया है, 23 तारीख को शायद गिनती है, 23 नवंबर को सारे नतीजे आ जाएंगे, उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाए। सवाल उठा कि जिनके घर पे ये करेंट का है, चुनाव प्रचार में तो स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो करेंगे, इसका फैसला वो स्वयं लेंगे। लेकिन मांग इसकी अभी से हो रही है, जो दूसरे दल के उम्मीदवार हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी उनके मतलब चुनाव प्रचार में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। हम लोगों के दल के तरफ से भी अनुरोध है, हमारे उम्मीदवार के तरफ से भी अनुरोध है। और इस पर आगे आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार या अभियान की गतिविधियां तेज होगी तब मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।